गोरखपुर विश्वविद्यालय के नाथ चंद्रावत छात्रावास के कमरा नंबर 117 में रहकर विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले छात्र की नींव वर्तमान छात्र संघ के अध्यक्ष द्वारा पिटाई किए जाने से आक्रोशित छात्रों ने गुरुवार को एसएसपी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया तथा अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन एसपी सिटी विनय कुमार सिंह को सौंपा, जिस पर एसपी सिटी ने छात्रों को न्याय संगत कार्यवाही का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि अतुल राय विश्वविद्यालय का छात्र है और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है। आरोप है कि 23 सितंबर को विश्वविद्यालय गोरखपुर के निवर्तमान अध्यक्ष अनिल कुमार यादव उर्फ अमन यादव उसके कमरे में आए और उसे धरना प्रदर्शन में चलने को कहा। अतुल द्वारा इनकार करने पर उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। उसी मामले को लेकर छात्रों ने छात्र नेता अनिल दुबे के नेतृत्व में एसपी सिटी से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पीड़ित छात्र अतुल राय और छात्र नेता अनिल दुबे ने बताया। और एक सर विश्वविद्यालय परिसर में सर इनका प्रवेश आसपास निषेध हो सर, ये आप खुद उसकी सुरक्षा कर रहे सर, इनका ऐसे प्रवेश ना हो। पकड़ लोगे? अच्छा अतुल आ जाओ अतुल। छात्रावासी भाई के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। छात्रावासों में गुंडा गर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मामला ये वही आए थे पूर्व अध्यक्ष अमन यादव हमसे कहे कि मतलब चलने के लिए धरने पे, तो हम निगलेक्ट कर दिए उनको, तो कह रहे हैं कि सीनियर जूनियर अगर तुम समझ नहीं रहे हो, उनकी बात मतलब सुन नहीं रहे हो। उसके बाद वही मतलब वो पिस्टल सटा दिए और उसके बाद एक पकड़ लिया और वो लगे मुक्के लात जूते से लगे मारने और उसके बाद बाहर निकलने पर लगे धमकी देने, कहे कि अगर कोई कार्रवाई करोगे तो तुमको जान से मार दी जाएगी। और इस समय भास्कर चौधरी एससी एसटी एक्ट का मतलब कह रहे हैं कि लगा देंगे, तुम्हारा पढ़ाई भी बर्बाद हो जाएगी और तुम आगे कुछ कर नहीं पाओगे, नहीं तो केस वापस ले लो। तारीख दिया? हाँ तारीख दिया गया है। हाँ कैंट थाने अमन यादव और भास्कर चौधरी। आपका क्या नाम है? अतुल राय। क्लास है? मेरा एमएससी है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। अनिल दुबे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में लगातार कई वर्षों से गुंडागर्दी का जो आलम है, छात्रों में जो एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है निरंतर कई वर्षों से, इसी की श्रृंखला में कुछ दिनों पहले अतुल राय एक जो छात्रावासी है पढ़ने वाला लड़का है एमएससी का स्कॉलर लड़का है, जिसको गुंडागर्दी राजनीति और अन्य किसी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, राजनीति में केवल और केवल एक स्वच्छ राजनीति के लिए वो लोग जो अपनी भूमिका दे सकते हैं बस उसमें वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, अन्य किसी मामलों में वो लोग नहीं रहते, वो केवल और केवल छात्रावास में बैठ करके पढ़ने का कार्य करते हैं। उनको निकाल करके छात्र संघ निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष द्वारा मारा गया और मारने के बाद उनके अंदर फिर से भय पैदा किया जा रहा है कि अगर आप हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं, अगर आप हमारे खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपकी आवाज को आपके हत्या के साथ हत्या करके आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा, आप बोलने लायक नहीं रहेंगे। अन्य जो भी लोग छात्र हैं उनको एससी एसटी एक मुकदमा है उसमें फंसाने के लिए हमेशा अगर आप कुछ भी करेंगे तो हम उसमें आपको फंसा देंगे, इस तरीके का हम लोग एससी एसटी का विरोध करने के लिए और किसी का विरोध करने के लिए नहीं और ना ही किसी छात्र का और किसी छात्र गुट का विरोध करने के लिए, पर गलत कार्य में अगर किसी चीज को फंसाया जाएगा उसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और अगर हम लोग यहाँ प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगाया जाए, क्योंकि वो वास्तव में वो गुंडे हैं, वो कोई नेता नहीं है, अगर नेता होते तो उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे 10-12 नहीं दर्ज होते, उनके ऊपर 10-12 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हमेशा छात्रावासों में गोली चलाने का काम, किसी को रॉड से मारने का काम गुंडागर्दी लगातार करते हैं। हम लोग उनसे चाहते हैं प्रशासन से कि उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगा करके उनको जेल भेज दिया जाए और तब तक उनको जेल में रखा जाए जब तक उनके होश ठिकाने पर ना आ जाए। उनके सह पे जो लोग विश्वविद्यालय के हॉस्टलों के अंदर बैठ करके जा करके छात्रों को फिर से डराने का कार्य करते हैं कि वो अध्यक्ष है, वो गुंडा है, वो मवाली है, वो तुम्हारी हत्या करवा देगा, उनको भी चिन्हित करके उनको वहाँ से निलंबित किया जाए, उनको छात्रावासों से हटाया जाए। और जब तक इस तरीके का कार्य नहीं होगा तो हम आगे अगर हमारी बातों को नहीं माना जाएगा तो हम आगे विवश होकर के आंदोलन करेंगे विश्वविद्यालय में और शहर में भी।
जी प्राक्टर महोदय से कई बार बात हुई, जिस दिन की ये घटना है उस दिन भी उनको सूचित किया गया था, सूचित करने के बावजूद भी वो एक बार घटना स्थल पे आकर के ना किसी छात्र का हाल चाल जानने के लिए आए, ना ही वो आकर के देखे कि किसने इस घटना को किया है। वो बस ये समझ लीजिए कि उनको ये पता चला कि ये घटना हुई है और वो अपने घर पे ही जिस तरीके से पहले थे उसी तरीके से बाद में।